हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट से जुड़े सोशल साइंस से पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, और ये क्वेश्चन वो होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सभी पांच टॉपिक्स में से होंगे। पहला टॉपिक है भारतीय सभ्यता व संस्कृति, दूसरा होगा मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, तीसरा होगा मुगल साम्राज्य, चौथा होगा ब्रिटिश शासन, और पांचवा है भारतीय संविधान। तो ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, भारतीय सभ्यता व संस्कृति। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो इसका जवाब होगा कांस्य काल। कांस्य का मतलब आपको पता ही होगा, ब्रॉन्ज। थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का प्रमुख आहार क्या था, यानी कि ज्यादातर वो भोजन में क्या ग्रहण करते थे? तो इसका जवाब होगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन सा ऐसा शहर था जो सबसे पहले खोजा गया था और सबसे पुराना है? तो इसका जवाब होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मृतकों का टीला या सिंध का बाग। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब होगा श्रीगुप्त। सेकंड क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके समय में आया था? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो इसका जवाब होगा दिनार। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 5, सांची का स्तूपा किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर होगा अशोक। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मुगल साम्राज्य। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जजिया कर क्या है? इसका उत्तर होगा धार्मिक सुविधाएं। तो मैं आपको बता देता हूं जजिया कर क्या होता है। मान लीजिए एक मुस्लिम राज्य है, ठीक है, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम आकर रहना चाहता है तो उसको एक कर देना पड़ेगा, ठीक है, गैर मुस्लिम होने का, तो उसी को हमने बोल दिया जजिया कर। सेकंड क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिकंदरा आगरा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, हल्दीघाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका जवाब होगा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। क्वेश्चन नंबर 4, दीने इलाही धर्म किसने चलाया? तो इसका उत्तर होगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, सिखों के गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की, जो कि है ब्रिटिश शासन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किसने डाली? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 2, किस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रखा गया? तो इसका उत्तर होगा 1833। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश संसद के किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापार भारत में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो इसका उत्तर होगा 1793। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 1881 में प्रथम जनगणना किसने करवाई? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 5 मार्च 1931। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है भारतीय संविधान। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1858। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान की देन है?
तो इसका उत्तर होगा जर्मनी का बीमर संविधान। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 19 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किस अधिकार से है, तो इसका उत्तर होगा धर्म की स्वतंत्रता से। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 18 जून 1951 में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो सीरीज लाता रहूं, तो आप लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिससे मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।